हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, क्योंकि देखिए जब भी मौका मिलता है कि कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ आपको सिखाई जाए, जब खासकर वो चीज़ सामने होती है, और ये मौका बहुत कम मिलता है, और बच्चों को सीखने का मौका इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया होता। तो आज मैं आपको टेलेज और रोटावेटर, इन दोनों के साथ में जो आपका एक रिलेशनशिप है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ डिस्कशन कर सकूँ। अभी सबसे पहले हम लोग रोटावेटर के बारे में बात करते हैं। ये एक आपका ट्रैक्टर माउंटेड इम्प्लीमेंट है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका ट्रैक्टर के साथ, यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि थ्री हिट्स जो है आपका यहाँ पर माउंटेड होता है, तो ये एक आपका टॉप लिंक है जो कि इसके साथ यहाँ पर अटैच होती है, और बाकी ट्रैक्टर के दो आपने देखा होगा लिंक चौक के अटैच होती है। तो इस प्रकार से है ना, यहाँ पर ये हिंज जो है वो अटैच हो जाते हैं। उसी के साथ ट्रैक्टर का जो आपका मोशन करता है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिसके द्वारा ट्रैक्टर को साफ मिलती है, जो पीटीओ होता है, तो ट्रैक्टर का पीटीओ और इसका जो पोर्शन है वो यहाँ पर इससे अटैच होता है। ठीक है, ये पोर्शन है, इसके अंदर पूरा का पूरा ये चला जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये ट्रैक्टर के साथ प्रॉपरली अटैच हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब ये इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर के द्वारा इसको जो है रन किया जाता है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक प्राइमरी और सेकेंडरी टेलेज इम्प्लीमेंट दोनों में आता है, क्योंकि रीजन क्या है, ये आपका लैंड को प्रॉपरली एक प्रकार से ओपन भी करता है, और दूसरी बात ये आपके लैंड को पल्वराइज करने का, सोयल को मिक्स करने का, और सीड बेड को प्रिपेयर करने का भी काम करता है। इसलिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का पार्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्राइमरी टेलेज में क्या होता है कि फील्ड को ओपन करना, एंड सेकेंड जो हमारा सेकेंडरी टेलेज ऑपरेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके टेलेज के द्वारा फील्ड को हम लेवल करते हैं, फील्ड को जो है आपका उसके अंदर उसकी सॉइल के पार्टिकल्स जो है उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो वही काम इसके द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर जो इसका पार्ट है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये गियर बॉक्स होता है। ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ पर ये देखिए नीचे की ओर साइड अगर हम बात करें तो ये ब्लेड्स होती हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि आपका सोयल जो है उसका कट की जाती है सोयल को, और ये आपके पूरे के पूरे ब्लेड्स हैं यहाँ पर, है ना। अब ये है आपका नाइन ब्लेड आपका यहाँ पर, रोटरी टिलर भी इसको बोला जाता है इसी वजह से ना। तो इसके पीछे अगर आप लोग देखोगे तो एक बार प्लीज साइड आ जाइए, पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये इसका एक लेवलर का काम करता है। मतलब क्योंकि जैसे जैसे सोयल मिक्स होती जाएगी, सोयल आपकी कट होती जाएगी, सोयल के अंदर कटने के बाद उसके प्रॉपरली साइज पार्टिकल्स कटने के बाद उसके बाद जो है ये पार्ट इसको क्या करता है, इसको लेवल करता हुआ चलता है। और यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसी के द्वारा हमारी सोयल को पल्वराइज किया जाता है, सोयल को कट किया जाता है, सोयल को मिक्स किया जाता है। ये आपका, क्योंकि फील्ड कंडीशन में अगर हम बात करें तो कई चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि फील्ड के अंदर ये आपका दो काम करेगा, एक तो आपका यहाँ पर जो टिलिंग करते हैं हम लोग उसका, और दूसरा लेवल करने का भी। इसी वजह से ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और टाइम सेविंग इक्विपमेंट आपका कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि फील्ड के अंदर जो इम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। मैं आपको फील्ड लेवल में लेकर चलता हूँ, फील्ड कंडीशन में लेकर चलता हूँ, जहां पर इसको अभी यूज ही किया गया है जस्ट इंस्टेंटली। ठीक है, तो उसी कंडीशन को मैं आपको दिखा देता हूँ कि फील्ड के अंदर किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, फील्ड में क्या कंडीशन बनती है, और फील्ड में ये यूज होने के बाद किस प्रकार से फील्ड नजर आता है, तो वो सारी बातें हम वहां पर जाकर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी मैंने आपको भी रोटावेटर के साथ उसका कंप्लीट मैंने उसके पार्ट और उनके बारे में डिस्कशन किया। अभी मैं आपको फील्ड कंडीशन में लेकर आया हूँ, और इसी फील्ड कंडीशन में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो लैंड है उसके ऊपर आपका रोटावेटर वर्क करता है। अभी ये पूरा का पूरा फील्ड है जिसके अंदर रोटावेटर को यूज किया गया है। आप पूरा फील्ड देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फील्ड के अंदर लेवलिंग और ये चीजें आपको नजर आ रही होंगी, है ना। पूरा का पूरा फील्ड एकदम से ऐसे लग रहा है कि पूरा सीड बेड प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अभी इसके अंदर आपका जो है डायरेक्टली सोइंग भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले ये फील्ड में करता क्या है, ये फील्ड को आपका अगर हम बात करें प्रॉपर लेवल तक कट भी करेगा, सोइल के पार्ट्स को आपका पल्वराइज करने का भी काम करेगा, सोइल को मिक्स करने का भी काम करेगा, और दूसरी बात जो स्टबल्स रेजिड्यू होते हैं
उनको भी कट करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर सकता हूँ किस प्रकार से आपके जो वीड वगैरह थे, ये आपका कॉटन का फील्ड था और इसके अंदर कॉटन के फील्ड के अंदर आपने जो कॉटन का जो प्लांट है उसकी रूट जो है वो टैप रूट होती है। अब देखिए यहाँ पर इसके पार्ट्स को काफी हद तक जो है छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसने कट कर दिया है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये रेजिड्यू जो है वो जल्दी सोयल के अंदर मिक्स हो जाता है और जल्दी ही गल जाता है, यानी कि सोयल के अंदर मिक्स हो जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये बहुत जरूरी होता है। देखिए दो प्रकार से कंडीशंस वर्क करती हैं। एक प्रकार तो ये देखिए कि नॉर्मली हम जब सोयल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका राइस जो है फील्ड है या वीट का, राइस के बाद हम वीट की सोइंग करते हैं, तो इन कंडीशंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। देखिए अगर राइस के रेजिड्यू की बात करें या फिर ये इस प्रकार के हार्ड रेजिड्यूज की बात करें तो ये जल्दी से क्या नहीं होता है, कट नहीं होता है, गलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है। लेकिन अगर ये पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पीसेस में काट दिया जाएगा, तो उसके बाद ये इजी हो जाता है कि यहाँ पर ये सोयल के अंदर मिक्स जल्दी हो जाए या गल जाए या पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाए। उसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर रोटावेटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर फील्ड के अंदर आपका इरोजन ज्यादा है तो उस केसेस में हम आपके रेजिड्यू को ही मल्स की फॉर्म में यूज करते हैं, उसको ही सरफेस के ऊपर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। खासकर आपका ये ड्राई और वेट एरिया दोनों में यूज कर सकते हैं हम लोग, किसको, आपके रोटावेटर को। और यहां पर रोटावेटर को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसीलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपका जो वीड है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा पीसेस आप लोग देख सकते हैं, इन पीसेस को कट कर दिया है, पूरा का पूरा मिक्स कर दिया है यहां पर, और जिसकी वजह से फायदा क्या होता है कि आपका वीड जो है वो कंप्लीटली पीसेस में कट होने के बाद उसका मतलब डिकम्पोजिशन जो है वो जल्दी हो जाएगा और वो आपकी नेक्स्ट क्रॉप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। या फिर अभी तक अगर वीड के जो सीड है या फिर वीड अभी तक इमेच्योर है जिसके अंदर अभी तक सीड नहीं आया है तो उसको भी कट करने में इजीली बेनिफिट होता है और ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलता है। तो फार्मर्स के लिए इन कंडीशंस को आप लोग समझोगे, क्योंकि देखो इस फील्ड में आकर अगर आप लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहती है। इसी बार मैं कई बार आप लोगों को समझाता होता हूं तो मैं इन्हीं चीजों के बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे देता हूं, और इसीलिए दे देता हूं क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में जब फील्ड में आते हैं तो नॉलेज, क्योंकि देखो सारी नॉलेज एक इंसान को नहीं होती है, है ना। कभी अभी जैसे फील्ड में आया हूं तो वहां पर आपके फार्मर्स से जानने का मौका मिलता है, कभी खुद उस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो उससे जानने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि प्रैक्टिकली इन चीजों को जरूर ऑब्जर्व करें। अगर आपके खुद के पास खेत नहीं है तो किसी दूसरे फार्मर के पास फील्ड में चले जाइए, जब भी मौका मिलता है फील्ड को जरूर ऑब्जर्व करें, उनको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी वीडियोज इस प्रकार से प्रैक्टिकल लेवल पर आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, और आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।